हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आप अनुप्रीता मिश्रा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स में थ्री फेज सर्किट्स समझ रहे हैं और एक के बाद एक इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर रही हूं मैं आज मैं आपको एक स्पेस, स्पेसिफिक चीज़ बताने वाली हूँ कि थ्री फेज सिस्टम में और अगर वो बैलेंस्ड हो बैलेंस्ड का मतलब मैं समझा चुकी हूँ ऐसा सर्किट जिसमें तीनों इम्पडेंसेस सेम हो चाहे डेल्टा कनेक्शन हो या स्टार कनेक्शन हो और लाइन वोल्टेजेस तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो या फेज वोल्टेजेस फेज करंट सब 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो उनके मैग्नीट्यूड भी बल हो चाहे सर्किट डेल्टा हो या स्टार हो ये बैलेंस्ड सर्किट के के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मतलब वोल्टेज अगर सेम होगा लाइन्स के बीच में तो फेज वोल्टेजेस सेम होंगे वन डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे और इम्पिडेंसेज भी सेम है तीनों इम्पिडेंसेस सेम है इसलिए तीनों फेजेस में करेंट्स भी कैसे फ्लो होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के और 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर मतलब बैलेंस सिस्टम में तीनों इम्पिडेंसेज इक्वल है मैग्नीट्यूड uh, में और uh, जो उनका पावर फैक्टर एंगल है वो भी सेम है और वोल्टेजेस जो हैं वो भी बैलेंस्ड है एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है चाहे लाइन वोल्टेज हो फेज वोल्टेज हो और लाइन करंट और फेज करेंट्स भी जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं तीनों अपने अपने ग्रुप में और 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं तो उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जा रही हूँ वो है कि हम एडिशन सम मतलब तीनों का अगर बैलेंस्ड सिस्टम में तीन बैलेंस्ड वोल्टेजेस का तीन बैलेंस्ड करेंट्स का चाहे लाइन वोल्टेज हो लाइन करंट हो फेज वोल्टेज हो फेज करंट हो कुछ भी हो उनका अगर हम सम फाइंड आउट करते हैं एडिशन फाइंड आउट करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तो वो कितना आता है वो मैं आपको बता रही हूँ और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बैलेंस्ड फेज़र्स का बैलेंस्ड का मतलब अगर साइनोसाइडल एक्सप्रेशन में देखूं तो वी ए इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है फिर अगला वोल्टेज इससे 120 डिग्री पीछे होगा नेक्स्ट वोल्टेज जिससे और 240 डिग्री पीछे होगा मतलब वी एम साइन ओमेगा टी माइनस वन डिग्री और वी एम साइन ओमेगा टी माइनस टू डिग्री या फिर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वन डिग्री कुछ भी हो सकता है वी ए बी बी वी सी तीन वोल्टेजेस हो गए और तीनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो उनका जो पीक वैल्यू है वोल्टेज का वो भी सेम है अब ये वोल्टेज में बात करंट में भी कर सकती हूं कुछ भी हो सकता है लाइन 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 वोल्टेज करंट करंट और तो ये तीनों वोल्टेजी मुझे ऐसे मिल रहे हैं और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो जैसे डैश लाइन है ओमेगा मतलब थीटा की वैल्यू देखूं तो ये मैं यहां पर 16, थर्टी डिग्री ले रही हूँ थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर थर्टी डिग्री थीटा की वैल्यू है थर्टी डिग्री थीटा की वैल्यू पर वी ए पॉजिटिव है तो उसकी भी पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही उतनी जितनी वी ए की है और वी बी की कौन सी वैल्यू आ रही है निगेटिव तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी तीनों को चेक करे तो क्या आता है वो देखती हूँ सेम बात अगर मैं फेजर्स की करूं तो इन साइनोसाइडल एक्सप्रेशंस को मैं पोलर फॉर्मेट में आ, भी शो कर सकती हूँ तो वी ए फेज़र जो होगा वो कैपिटल लेटर में शो करूंगी और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फेज़र का वो वी एम अपॉन रूट टू होगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू आर वैल्यू होती हम पढ़ चुके और एंगल जीरो है क्योंकि इसके साथ फेज एंगल जीरो है सेकेंड वी बी कैपिटल वी बी फेजर वी एम बाय रूट टू और माइनस वन ट्वेंटी डिग्री और ये हो जाएगा वी सी फेजर वी एम बाय रूट टू और प्लस वन ट्वेंटी डिग्री बोलूँ या माइनस टू फोर्टी डिग्री बोलूँ कुछ भी इन तीनों फेजर्स को अगर मैं ग्राफिकली फेजर डायग्राम पे देखूँ तो वी ए मेरा ये होगा जीरो डिग्री पर है वी बी जो होगा वो उससे एक सौ बीस डिग्री पीछे है और वी सी जो है उससे एक सौ बीस डिग्री आगे तो ऐसे तीनों फेजर एक दूसरे से एक सौ बीस एक सौ बीस डिग्री आगे पीछे हो गए मतलब बैलेंस है और तीनों की लेंथस भी सेम है कितनी है वी एम बाय रूट टू इतनी लेंथ सेम है अब मैं तीनों का सम निकालना चाहती हूँ वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी तो वी ए की जगह मैं वी एम अपॉन रूट टू एंगल जीरो लिखूँगी वी बी की जगह मैं वी एम अपॉन रूट टू एंगल माइनस वन ट्वेंटी डिग्री लिखूंगी और वी सी की जगह मैं वी एम बाय रूट टू प्लस वन ट्वेंटी डिग्री लिखूंगी तो इन इनके सम से मैं वी एम बाय रूट टू तो कॉमन बाहर निकाल लेती हूँ यहाँ आ जाएगा वन एंगल जीरो प्लस वन एंगल माइनस वन ट्वेंटी डिग्री उधर लिखा गया है और वन एंगल वन ट्वेंटी डिग्री प्लस वाला ये लिख दिया जस्ट रीशफल हो गया ये माइनस वन ट्वेंटी लिखती है उसे प्लस वन ट्वेंटी लिखती कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस साइन है आगे पीछे हो सकता है पर होगा यही तीनों वी एम बाय रूट टू तो, अब वन एंगल जीरो का मतलब कॉ जीरो प्लस जे साइन जीरो हो जाएगा वन एंगल वन ट्वेंटी डिग्री का मतलब कॉस वन ट्वेंटी प्लस जे साइन वन ट्वेंटी डिग्री हो गया और वन एंगल माइनस वन ट्वेंटी डिग्री का मतलब है कॉस माइनस वन ट्वेंटी डिग्री प्लस जे साइन माइनस वन ट्वेंटी डिग्री होगा कॉस वन ट्वेंटी डिग्री और कॉस ऑफ माइनस वन ट्वेंटी डिग्री मतलब प्लस कॉस वन ट्वेंटी डिग्री यानी ये दोनों मिलकर ट्वाइस हो जाएगा और ये दोनों जो होगा साइन 120 डिग्री और साइन ऑफ माइनस वन डिग्री मतलब माइनस जे साइन वन डिग्री तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा तो कॉस जीरो का मतलब वन है साइन जीरो का मतलब जीरो है कॉस 120 डिग्री का मतलब माइनस पॉइंट फाइव है और कॉस ऑफ माइनस वन डिग्री मतलब प्लस कॉस वन डिग्री तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस पॉइंट फाइव से रिप्लेस करूँ तो वन माइनस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव सम देखेंगे तो टोटल सम कितना आ रहा है जीरो यही क्वालिटी है बैलेंस्ड फेज़र्स की कि उनका किसी भी इंस्टेंट पे जब हम एडिशन निकालते हैं चाहे वोल्टेज हो करंट हो और किसी भी टाइप का वोल्टेज किसी भी टाइप का करंट हो उसका सम हमेशा कितना आता है जीरो चाहे डेल्टा में हो चाहे स्टार में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना तो अगर मैं करंट यहाँ पे वोल्टेज़ का एडिशन ज़ीरो देख रही हूँ तो ये कोई केवीएल इक्वेशन नहीं है दिस इज़ नॉट केवीएल यहाँ मैं केवीएल भी लगाने जाऊंगी ना तो तीनों का सम जो आएगा वो जीरो ही आएगा अकॉर्डिंग टू केवीएल और एज़ पर द बैलेंस्ड वोल्टेजेस आर एग्जिस्टिंग देयर हेंस देयर सम थ्री फेज बैलेंस्ड फेजर सम विल बी इक्वल टू जीरो वो केवीएल नहीं है वो फेजर्स की क्वालिटी है बैलेंस फेजर्स की उसकी वजह से वो जीरो आ रहा है। और केवीएल से भी जीरो आएगा पर साइमल्टेनियस अगर मैं यहां पे तीन करेंट्स एक करंट यहां से बहने वाला ये करंट अगर आई ए बी ले लूँ, ये करंट अगर आई बी सी ले लूँ और ये करंट आई सी ए ले लूँ, तो इन तीनों करंट्स का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, तब भी इनका सम यहाँ पे तीनों फेजर्स का करंट फेजर्स का सम जीरो आएगा वो हम लूप में ले रहे हैं के सी एल नहीं है फिर भी लूप में तीनों करंट्स का सम मुझे कितना मिलेगा जीरो और ये किसकी क्वालिटी है फेजर्स की यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट uh, पे तीनों करंट्स का सम के से भी जीरो आएगा और तीन करंट्स अगर ऐसे बह रहे हों आई ए आई बी और आई सी तो ये तीनों करंट्स का सम भी कितना आएगा जीरो एज पर द फेजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बैलेंस फेजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स और उसी तरीके से इन तीनों वोल्टेजेस का भी सम फेजर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम होने की वजह से और तीनों बैलेंसड है एक दूसरे के इक्वल uh, मैग्नीट्यूड होने की वजह से तीनों का सम भी कितना आएगा जीरो मतलब यहाँ पे के जैसा दिख रहा है और यहाँ पे के वी एल जैसा नहीं मतलब के सी एल जैसा uh, अगर यहाँ पर के सी लगाती और सम जीरो आता तो उसी तरीके से तीन वोल्टेजेस का सम भी मुझे जीरो मिल रहा है जबकि ये के जैसा कोई के नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है वो सिर्फ उस उन फेजर्स की बैलेंस फेजर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि तीनों का सम थ्री फेज सिस्टम में ज़ीरो आता है और ये क्वालिटी आगे जाके हम पावर सिस्टम में बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं बैलेंस्ड uh, वोल्टेजेस और करेंट्स की इस क्वालिटी को हमारे पावर सिस्टम में फॉल्ट्स uh, को uh, रोकने में या जो भी अनबैलेंसिंग uh, होती है उसको मैनेज करने में इस टाइप की चीज़ें हम वहाँ पर पावर सिस्टम में यूटिलाइज करते हैं सेम uh, अगर मैं फेज़र्स से निकाल रही हूँ इन तीनों का सम तो मैं इन तीनों में भी थीटा इक्वल टू थर्टी डिग्री रखूं यहाँ थर्टी रखूं यहाँ थर्टी रखूं और यहाँ थर्टी रखूँ और तीनों का सम निकालती हूँ वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी करती हूँ मतलब यहाँ पे भी मैं वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी साइनोसाइटल एक्सप्रेशन से भी निकालने जाती हूँ तो वो मुझे जीरो मिलेगा तो चाहे आप साइनोसाइटल एक्सप्रेशन से निकालें यहाँ पर थीटा ओमेगट इक्वल टू थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री रखें तब भी आपको इसका सम क्या मिलेगा जीरो और यहाँ पर भी ऑब्जर्वेबल है बेटा जितना ये वी ए है उतना ही ये वी सी भी है तो यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया और उतना ही हमें वी बी का निगेटिव मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो जितना ही यहां plus हो के इतना आ रहा है उतना ही ये माइनस होके मिल रहा है मतलब वी ए प्लस वी सी जो है वो माइनस वी बी के बराबर है ये कहना चाहिए ये माइनस वी बी है और ये वी है और यही वी सी है तो वी ए प्लस वी सी इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा माइनस वी बी मतलब सम कितना हो जाएगा इक्वल एंड मैग्नीट्यूड में डिफर करेगा प्लस माइनस से तो टोटल सम कितना मिलेगा जीरो यहाँ पर और सेम अगर इसी चीज़ को जो मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया पोलर फॉर्म को मैंने एक्सपैंड किया रेक्टेंगुलर में मतलब पोलर से मैंने रेक्टेंगुलर फाइंड आउट किया उसकी जगह मैं ग्राफिकली भी उसको देखना चाहूँ तो वी ए और वी वी बी का जो टोटल सम मिल रहा है पैरालेलोग्राम से करूं तो ये डायगोनल जो होगा वो वी ए प्लस वी बी होगा और आप देखिए ये डायगोनल जो मिल रहा है वी ए प्लस वी बी वो एग्जैक्टली exactly इक्वल होगा वी सी के और वी ए प्लस वी बी का जो सम है वो एग्जैक्टली exactly क्या आ रहा है माइनस वी सी के बराबर आ रहा है माइनस वी सी के बराबर आ रहा है, है मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट कंपनसेट कर देंगे मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई भी तीन फेजर चाहे करंट हो वोल्टेज हो वो इक्वेशन के सी एल के वी एल नहीं है किसी लूप पर या किसी नोट पर नहीं अप्लाई करें पर तीनों बैलेंस्ड फेज़र का सम थ्री फेज सिस्टम में जीरो होता है एट एनी इंस्टेंट और ये क्वालिटी हमको मदद करती है एडवांटेज देती है पावर सिस्टम में तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टॉपिक से हट के था पर हाँ ये पूछा जाता है बेटा कि सम कितना होता है इंस्टांटेनियस तीन बैलेंस फेजर्स का तो आप बिल्कुल आग बंद करके ज़ीरो बताइए तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और बहुत सारी पढ़ाई करिए थैंक यू